19 अप्रैल से लेकर 1 जून तक लोकसभा चुनावों के लिए मतदान किया जाएगा, जिसके लिए सभी पार्टियां चुनाव प्रचार में जुट गई हैं। लेकिन इस बीच महाराष्ट्र से बीजेपी को झटका लगा है। सांसद उन्मेष पाटिल ने बीजेपी का साथ छोड़कर उद्धव गुट का हाथ थाम लिया है। तो क्यों बीजेपी से टूटकर अलग हो रहे हैं पार्टी के नेता, क्या है बीजेपी में बिखराव का कारण, जानने के लिए देखिए खास रिपोर्ट। लोकसभा चुनावों से पहले बीजेपी को एक के बाद एक झटके लग रहे हैं। इस बार बीजेपी को महाराष्ट्र से झटका लगा है। बता दें कि उत्तरी महाराष्ट्र के जलगांव से बीजेपी के सांसद उन्मेष पाटिल बीजेपी का साथ छोड़कर विपक्षी शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे में शामिल हो गए। पाटिल अपने समर्थकों के साथ पार्टी प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के आवास पर मातोश्री पर शिवसेना यूबीटी में शामिल हुए। दरअसल बीजेपी ने जलगांव से मौजूदा सांसद उन्मेष पाटिल का टिकट काट दिया था, जिससे पाटिल काफी नाराज थे और उन्होंने शिवसेना में शामिल होने का मन बना लिया। पाटिल ने मंगलवार को राउत से मुलाकात की थी, जिसके बाद उनके इस राजनीतिक कदम को लेकर अटकलें तेज हो गई थी। वहीं शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने कहा कि पाटिल के पार्टी में शामिल होने से जलगांव और उत्तर महाराष्ट्र में पार्टी की संभावनाओं को मजबूती मिलेगी और उसकी जीत आसान होगी। भाजपा ने जलगांव संसदीय क्षेत्र से पाटिल की जगह स्मिता वाघ को अपना उम्मीदवार बनाया है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में लोकसभा की कुल 48 सीटें हैं और सभी 48 सीटों पर 5 चरणों में चुनाव होगा। 19 अप्रैल को पहले चरण में मतदान होने हैं और ऐसे वक्त में बीजेपी से सांसदों का पाला बदलना उसके लिए भारी नुकसान के तौर पर देखा जा रहा है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।